दोस्तों, अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो एक बार नैनीताल जू जरूर विजिट करें। हालांकि कुछ खास तो नहीं है, पर यहां तक पहुंचने का एडवेंचर कुछ अलग मिलेगा। सबसे पहले आपको लेक के पास शेयर टैक्सी मिलेगा, जो जू की तरफ से होती है। उसके 30 रुपये प्रति व्यक्ति लगते हैं, जो सीधे आपको जू के पास छोड़ देंगे। फिर वहां से आपको थोड़ा और ऊपर चढ़कर जू तक पहुंचना होगा। जू का फेयर 50 रुपये प्रति व्यक्ति है और सोमवार को छोड़कर बाकी सारे दिन खुले रहते हैं। तो दोस्तों, जू में हमारी एंट्री हो गई है और एंट्री होने के बाद फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शुरू हो जाती है हमारी। इस मैडम को देख लो, इनकी हालत खराब है। ऊपर चढ़ते चढ़ते शुरुआत में आपको मुर्गे जैसा कोई प्राणी दिखेगा। थोड़ा मैं भी पोज मार लूं। अब आती है बारी बंगाल टाइगर की। आजा, इस दूसरे टाइगर को देखो, आलसी कहीं का, इसे कोई परवाह ही नहीं है हमारी। अब चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ओ भाई साहब, ये है टाइगर। बच्चे भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। टाइगर के पास एक था टाइगर, हम दोनों ने भी फुटेज ले ली। इस मैडम के नखरे ही अलग हैं। ये कौन सा प्राणी है भाई? ये शायद पहाड़ी बकरी होगी। जान निकल गई है ये मैडम की, तो जान निकल गई है। बहुत ऊंचे पर है भाई, वो देख लो कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है। देख लो, तो जैसा कि भाई आप देख सकते हैं, इतनी ऊंची चढ़ाई करने के बाद भी इन जानवरों को हमारी कोई परी नहीं है। साले सभी आराम से सो रहे हैं। हम लोगों ने पैसे खर्च करके ऊपर आए इन्हें देखने के लिए, और ये सब साले सो रहे हैं यहाँ पे। आज देखो, ये सब यहाँ सो रहे हैं। ये परे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ परे परे हैं। हम लोग इन्हें देखने आए और इनको कोई परवाह नहीं हम लोग की। ये लड़की कैमरे को चिढ़ाती हुई, ये कौन सा प्राणी है भाई? श्री अतुल शाह? अरे नहीं, ये तो किसी भाई साहब का नाम है। दोस्तों, इनका नाम भरल है। अब भरल क्यों है नहीं पता, लेकिन इनका नाम भरल है। ये हर तरफ से भरे हुए हैं। तो ये जो जानवर आपको दिख रहा है, इसे सांभर कहते हैं। सांभर, वो इडली सांभर वाला नहीं, इसका नाम सांभर है। देख लो आप इसको गौर से, कितना बड़े बड़े जानवर है। ये शायद नील गाय की तरह होते हैं। ये भागी जा रही है, इसको पसंद नहीं आई है सांभर। ओए रुक जाओ, ओए ओए, देख सकते हैं ये सांभर डियर बोलते हैं इसको, सांभर हिरन। बड़े बड़े सिंह हैं इसके। और इन लोगों को देखने के साथ साथ प्रकृति का भी नज़ारा देख लें आप। वाओ, ब्यूटीफुल सीन हियर। मज़ा आ रहा है भाई यहाँ घूम के। प्रकृति का भी नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ ब्लॉगर। ये जो आप जानवर देख रहे हैं, इसे कहते हैं मारखोर। मारखोर काफ़ी अजीबोगरीब नाम है। ये भी लेटा पड़ा है। और यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी नैनीताल जू की यात्रा। एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, 2 घंटे में आराम से पूरा कर लेंगे। इतना भी कुछ खास नहीं है यहाँ।